मतलब तुम्हारा एडमिशन कहाँ होने वाला है? मेरा बिरसा कॉलेज खूंटी में होने वाला है। तो अभी आय प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण अभी तक मेरा एडमिशन रुका हुआ है। बिना आय प्रमाण पत्र के एडमिशन लेंगे तो हमको बाद में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। घर इतना मजबूत नहीं है परिवार का आय कि घर वाले लोग हमको पढ़ा सके। असीम हमरो पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव प्रखंड के कुमुर गांव का रहने वाला है, जो अनुसूचित जनजाति उपजाति मुंडा समुदाय से बिलोंग करता है। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले बच्चों को सरकार उनके पढ़ाई में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। कॉलेजों में उनके फीस भी कम लगते हैं। उसके लिए बच्चों को शिक्षण संस्थान में आय प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र जमा नहीं करने से पूरा फीस जमा करना पड़ता है और सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद भी नहीं मिलती। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण और आय प्रमाण पत्र जल्दी नहीं बनने के कारण असीम कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रहा है। इंटरमीडिएट हम सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज तोरपा से किए। तो वहाँ छोड़ने का कारण, वहाँ भी तो ग्रेजुएशन के लिए तो वहाँ ज्वाइन कर सकता था, क्यों छोड़ा वहाँ? वहाँ घर का परिस्थिति ठीक नहीं है और घर वाले लोग उतना उनका आय आज मजबूत नहीं है, जिसके कारण हमको हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं और आना जाना के लिए मेरा बहुत दिक्कत है। अपने दोस्तों को देखते हुए तुमको कैसे महसूस होता है? ऐसा अच्छा नहीं लगता है, कहे कि वो लोग हमसे अधिक बढ़ जा रहे हैं और अगर मेरा एडमिशन इस बार नहीं हो जाता है तो हमसे एक साल के लिए सीनियर हो जाएंगे। वीडियो देख रहे आप सभी साथियों और सज्जनों से अपील है, पश्चिम सिंहभूम जिला के उपायुक्त महोदय डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी को उनके मोबाइल नंबर 94705177 पर फोन करके समस्या से अवगत कराएं, ताकि बनगांव प्रखंड में जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया और व्यवस्था में सुधार हो सके और कम से कम समय में बनकर लोगों को प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। मैं जेवियर हमसाय पश्चिम सिंहभूम झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।